अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहाज़ फैस अकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ जो इस साल के लिए यानी कि 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। उनको मैं डिस्क्राइब करूँगा, उनके पीछे टेक्निक सिखाऊँगा, ट्रिक सिखाऊँगा, ताकि वो पर्टिकुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बल्कि उससे मिलते जुलते जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएँ। लेकिन उससे पहले मुझे 30 सेकेंड्स चाहिए आप लोगों के, 30 सेकेंड्स की सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आपको एक बहुत ही ऑसम चैनल के बारे में बता सकूं। तो वो ऑसम चैनल है लव आर्ट्स का। इस चैनल के ऊपर आर्ट से रिलेटेड बेहतरीन वीडियोस आपको मिलेंगी बहुत ही कम टाइम के अंदर, जिससे ना सिर्फ आप सिर्फ आर्ट्स को देख सकते हो अगर आप आर्ट्स को पसंद करते हो, बल्कि आप बना भी सकते हो अगर आप आर्ट्स में प्रैक्टिस जारी रखना चाहते हो, जिसमें ग्लास पेंटिंग शामिल है, हैंडमेड ज्वेलरी शामिल है और पेपर वर्क शामिल है, और समटाइम्स कुकिंग की वीडियोस भी अपलोड होती हैं इस चैनल के ऊपर। तो देखो, ये है चैनल लव आर्ट्स और ये आप देख लो, इसका जो निशान है वो ये वाला है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज़रूर अपना सपोर्ट शो करो और लाइक करो इस चैनल को, और चलो वीडियो की तरफ चलते हैं वापस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए बराबर है ए आई एंड बी बराबर है बी जे के, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। इस MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उससे आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करोगे। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी I क्रॉस I किया जाता है, या J क्रॉस J किया जाता है, या K क्रॉस K किया जाता है, तो आंसर बराबर आता है जीरो के। क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर वेक्टर्स का आंसर जीरो आता है। और बाकी जो आंसर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो एक तरीके से आप याद रख सकते हो, आई जे के एंड अगेन टुवर्ड्स आई। इससे क्या सीखना है आपने कि अगर आई को जे से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा के, अगर जे को के से मल्टीप्लाई कराओगे तो एरो बताएगा आंसर आएगा आई, अगर के को आई से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा जे। बट अगर कभी भी आप इसका रिवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे, यानी कि जे को अगर आप आई से मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करोगे, तो J क्रॉस I, क्योंकि वो एरो के अपोजिट जा रहा है, इस वजह से आंसर आएगा माइनस का K। K क्रॉस J करोगे तो एरो के अगेंस्ट जा रहे हो तो आएगा माइनस का I, और इसी तरीके से J क्रॉस I करोगे तो माइनस का K आएगा, यानी कि एरो की डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, एरो के अपोजिट जा रहे हो तो आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब आ जाओ सवाल की तरफ वापस। A और बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी आंसर आएगा, आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे आंसर आएगा के। तो इसका मतलब ए बराबर इसके, बी बराबर इसके, तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी यूनिट वेक्टर के। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क की डायमेंशन मालूम करनी है तो चाहे आपको किसी की भी डायमेंशन मालूम करनी हो, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या मोमेंट आर। फोर्स की डायमेंशन, ये छोटी मोटी डायमेंशन आप याद रखेंगे, ml t माइनस टू, और इसको मल्टीप्लाई कराना है आपने d से। d क्या है, d है डिस्टेंस यानी कि l, तो मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस टू, ml स्क्वायर t माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 3। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, जब भी दो सरफेसेस रेस्ट में होती हैं तो उनके दरमियान में पाई जाने वाली फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। जब दो सरफेसेस इन स्टेट ऑफ मोशन होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उनके दरमियान की फ्रिक्शन कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। और याद रखने वाली बात यह है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा हमेशा कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तभी तो वो चीज़ों को रोक लेती है, काइनेटिक फ्रिक्शन रोकता नहीं है, जस्ट स्लो डाउन करता है। So, kinetic friction is always less than static friction. Question number 4. एक object है जो कि गिर रहा है किसी viscous fluid से, an object is falling through a viscous fluid with terminal velocity. Terminal velocity के साथ fluid में जो है वो एक object गिर रहा है, इस तरीके से मिसाल तौर पर एक ट्यूब है जिसके अंदर ऑयल या कोई भी वाटर वगैरह फिल कर रहे हैं, और इसमें हमने एक बॉडी को ड्रॉप करा है, ऑब्जेक्ट को फिल करा है, ड्रॉप किया है, तो जब वो एक पॉइंट पर आएगा तो वो सेम स्पीड के साथ गिरने लगता है। इस सेम स्पीड को कहते हैं टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है, जीरो हो जाती है, तो याद रखिए टर्मिनल वेलोसिटी से मुराद ये कि वो वेलोसिटी हमेशा हमेशा सेम रहती है।
क्वेश्चन नंबर 5। अ बस ऑफ वेट 30,000 न्यूटन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन एस। तो क्या होगा उसका एक्सेलरेशन? तो बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से कितना फ़र्क आ रहा है वो एक्सेलरेशन होती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, 14 हो 15 हो के 14,000 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी कि चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है। सो जीरो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग पेयर आर नॉट द सेम, इसमें से किसकी डायमेंशन जो है वो सेम नहीं है? वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम होती है। वर्क की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एनर्जी खुद, एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, उसकी डायमेंशन भी सेम होती है। ठीक है, मोमेंटम की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस वन। इम्पल्स यानी कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो जो मोमेंटम की डायमेंशन होगी वही चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम, एम एल टी माइनस वन। वर्क और टॉर्क ऑलरेडी सेम है, एनालॉगस है एक दूसरे के। मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ हैं। मास की डायमेंशन एम होती है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन एम नहीं होती है, बल्कि उसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7। द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी डिवाइड बाय स्मॉल जी आर, कैपिटल जी और स्मॉल जी की डायमेंशन को डिवाइड कराना है आपस में, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहली बात, कैपिटल जी की डायमेंशन याद होनी चाहिए, नहीं याद तो निकाल लो। एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय, यही फॉर्मूला होता है, एम वन इंटू एम टू। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, आर हो गया एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एम टू, दोनों की डायमेंशन एम होगी तो एम का स्क्वायर लिखेंगे। एक एम से एक एम हो जाएगा कैंसिल, तो कैपिटल जी की डायमेंशन बनती है एम इनवर्स, ये वाला ऊपर चला जाएगा। एल स्क्वायर है, वन है, तो एल क्यूब हो जाएगा, और टी चल रहा है माइनस का टू, डिवाइडेड बाय जी की डायमेंशन, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस टू होता है, तो टी माइनस टू से टी माइनस टू हो गया कैंसिल, और एक एल से एक एल कैंसिल हो गया। आंसर आना चाहिए एम इनवर्स, और एल कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा स्क्वायर, तो और टी जो है नहीं है, तो इसका जीरो के बराबर है। एम एम इनवर्स एल स्क्वायर टी जीरो, एम इनवर्स एल स्क्वायर टी जीरो, एम इन कहाँ चला गया, एम इनवर्स एल स्क्वायर टी जीरो। क्वेश्चन नंबर 8। टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू। अगर हम रिप्लेस कराते हैं एक ब्राइट फ्रिंज को दूसरे ब्राइट फ्रिंज के साथ माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर, तो जो मूवेबल मिरर है उसको कितना डिस्टेंस मूव करवाना चाहिए? तो याद रखिए, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर जब भी मूवेबल मिरर जो है उसको मूव कराते हैं डिस्टेंस लेमडा बाय 4, तो सक्सेसिव जो है वो हमें डार्क या ब्राइट फ्रिंज मिल जाता है हर केस में। यानी कि जो मूवेबल मिरर है एम टू, उसको हमेशा मूव कराना चाहिए डिस्टेंस लेमडा बाय 4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9। द पॉइंट टू विच द लाइट रेज आर ब्रॉट टू फोकस इज कॉल्ड, जब भी लाइट रेज पास होती हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो उनको कन्वर्ज कर देता है एक सिंगल पॉइंट पे, तो वो जो सिंगल पॉइंट है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ मास। द राइट आंसर इज प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे सारी की सारी रेज जाके कन्वर्ज होती हैं उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। द रेशो ऑफ एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम इज, अगर रेशो मालूम किया जाता है एस आई यूनिट्स के, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के, तो वो किस चीज़ के बराबर आता है? जूल सेकेंड, न्यूटन पर जूल, और जूल इंटू न्यूटन, या जूल पर न्यूटन। तो उसको फाइंड कर लेते हैं, ईजी है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एम वी आर के, और लीनियर मोमेंटम बराबर होता है एम वी के। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और आर के लिए आ जाता है एक और मीटर, डिवाइडेड बाय, इसके लिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक छोटा सा काम ये करना है हमें कि दोनों तरफ डिवाइड करवाना है, तो डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर भी सेकेंड को डिवाइड करा दिया तो नीचे भी कराना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो नीचे जो लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप जानते हो ये बराबर होता है न्यूटन के, और ऊपर जो लिखा हुआ नजर आ रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बराबर होता है जूल के। तो इसका मतलब जो रेशियो बनता है एस आई यूनिट ऑफ एंग्लो मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का, वो बराबर होता है जूल पर न्यूटन के। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो दिस विल बी कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला टॉर्क जीरो होता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? अब याद रखिए, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और अगर किसी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो होती है, यानी कि टोटल फोर्स जीरो होती है, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने ट्रिक या छोटी छोटी बातें याद रखनी है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो 33 मार्क्स है एमसीक्यूज के, वो इजीली आप लोग जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर, एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है? तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो आप वो याद करिए। हो सकता है आप में से कोई कहे कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मुझे याद है वो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है। इस फॉर्मूले से निकालोगे तो एंगल का तो कोई यूनिट होता नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम की डायमेंशन टी होती है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी इनवर्स, करेक्ट है। अगर कोई बोले कि नहीं मुझे तो फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा याद है, तो यहाँ से ओमेगा को अलग करो अगर, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा वी ओवर आर के। वी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, आर की डायमेंशन होती है एल, तब भी आंसर टी इनवर्स आएगा। और एम और एल दोनों जीरो हैं, तो एम भी जीरो, एल भी जीरो, और टी हो जाएगा टी इनवर्स के बराबर। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो डिपेंड करती है। तो चाहे रेंज पूछे चाहे एच मैक्स पूछे, आप फॉर्मूला लिखिए उससे क्लियर हो जाएगा। वी नॉट का स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी पर डिपेंड करती है जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। वी नॉट का मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा का मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जी एट द प्लेस, यानी कि वो डिपेंड करती है इन तीनों के ऊपर, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, ठीक है फायर किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, और वो टारगेट को हिट कर देता है, इट विल हैव डबल द रेंज इफ इट्स वेलोसिटी इज, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी अगर हम रेंज को उसका डबल कर दें, यानी कि जितनी भी रेंज थी वो डबल हो जाए, तो वेलोसिटी को कितना करना पड़ेगा, यानी कि 100 से बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, ये हमें मालूम करना है। तो देखिए ऊपर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको फॉर्मूला, आर जो है ना वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है वी नॉट के स्क्वायर के, या फिर आप ऐसा समझ लो कि जो अंडर रूट आर है वो प्रोपोर्शनल होता है वी नॉट के, यानी कि जो भी रेंज होती है उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो रेंज है उसको हमें डबल करना पड़ेगा, तो याद रखिए डबल का मतलब हो गया हमें 2R का रूट लेना पड़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा वी नॉट के। के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर अगर रूट लिया जाएगा तो 2 का रूट होता है 1.41 टाइम्स अंडर रूट आर, सीधा सीधा ये आ जाएगा, यानी कि जो भी आपकी रेंज थी पहले भी तो अंडर रूट आर ही लिखा हुआ था, लेकिन अब एक्स्ट्रा 1.4 आ गया, तो जो भी आपकी वेलोसिटी आ रही है बेसिकली हमें उसे 1.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.4 टाइम्स बढ़ जाएगी वेलोसिटी, तो 1.4 इंटू 100, इसका मतलब है 1.4 टाइम्स बढ़ जाएगी वेलोसिटी, तो 100 इंटू 1.41 समथिंग ये आ जाएगा 141.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, आई क्रॉस जे डॉट जे क्रॉस आई, क्रॉस के बारे में डिस्कशन हो चुका है पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, डॉट के बारे में आपको ये बताते चले कि डॉट हमेशा सिमिलर वेक्टर्स के दरमियान में तो 1 के बराबर आता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के, ये सब बराबर आता है 1 के, और इसके अलावा नहीं आता, इसके अलावा 0 हो जाता है। तो पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आई क्रॉस जे ऊपर भी समझाया था, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, आई क्रॉस जे करेंगे आंसर आएगा के, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करेंगे तो आंसर माइनस का के आएगा, इसका मतलब एक मरतबा प्लस का के आ रहा है, एक मरतबा माइनस का के आ रहा है, इसका आंसर के आ रहा है डॉट, इसका आंसर माइनस का के आ रहा है। के डॉट के वैसे तो 1 के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि माइनस आ रहा है तो पूरा आंसर माइनस 1 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द, जो स्टोक्स लॉ है वो किस पर एप्लीकेबल होता है, बॉडी इज रेस्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड, गलत बात है, मूविंग थ्रू वैक्यूम भी गलत है, नॉन विस्कस गलत है, ये जो लॉ है वो इस्तेमाल होता है उन बॉडीज पे जो कि पास हो रही होती हैं थ्रू विस्कस मीडियम, जो स्टोक्स लॉ है ना, यानी कि जो फोर्स होती है बराबर होती है
सिक्स पाई ईटा आर वी वो बेसिकली इस फैक्टर पर डिपेंड करती है। 17 द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता तो टॉर्क आ जाता, इससे पहले भी बात मैंने आपको बताई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है तो आंसर होना चाहिए फोर्स। नंबर 18 द डायमेंशन ऑफ जी, अब देखो जी की डायमेंशन ऑलरेडी हम लोग मालूम कर चुके हैं तो प्रैक्टिस होगी तो बहुत ही इजीली काम हो जाएगा। जी की डायमेंशन क्या आई थी, जी की डायमेंशन आई थी एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू, एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू ये। क्वेश्चन नंबर 19 द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 एंड 10 न्यूटन कैन बी, मतलब के 2 और 10 दो फोर्सेज हैं 2 न्यूटन की और 10 न्यूटन की, उनका आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस टेक्निक को याद रखना, दो फोर्सेस को ऐड करके जो सबसे बड़ा आंसर आता है ना, मैक्सिमम आता है, वो बेसिकली सीधा सीधा उनको ऐड करके आता है F1 + F2, और दो फोर्सेस का जो सबसे छोटा आंसर आता है वो उनके सब्ट्रैक्शन से आता है। यानी कि 10 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आंसर 12 आ सकता है, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर 8 आ सकता है छोटे से छोटा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 12 और 8 के बीच में पॉसिबल है, ना 12 से बड़ा हो सकता है ना ही 8 से छोटा हो सकता है। 4 छोटा है, 6 छोटा है, 13 बड़ा है, 13 जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ बड़ा है इसके 12 के लिहाज से, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 20 अ वेक्टर इन स्पेस हैज डैश कंपोनेंट्स, कोई भी वेक्टर जो स्पेस में पाया जाता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है और जेड कंपोनेंट होता है, यानी कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। और वो वेक्टर जो कि स्पेस में ना होके प्लेन पर होता है उसके सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट होता है और वाई कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 इफ एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड आर बी द नॉर्मल रिएक्शन देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इस, तो सीधा सीधा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, म्यू बराबर होता है एफ ओवर आर के, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस, एस आई यूनिट्स की प्रैक्टिस करोगे, कैंडेला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट, जो 7 बेसिक यूनिट्स है उनमें शामिल है। 23 द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है पावर जो खुद बराबर होती है एफ वी कॉस थीटा के, तो 0 पूछा गया है, 0 कब होगा, तो बेसिकली कॉस 0 कब होता है, कॉस 0 तब होता है जब एंगल 90 होता है, कॉस 90 मालूम करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब 90 डिग्रीज पर पावर जिसे हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं वो 0 होती है, करेक्ट आंसर इज 90 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 24 अ बकेट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूव डाउनवर्ड, एक बकेट है जो कि नीचे मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है 10 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फील्ड में थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर का फासला तय करता है, क्या होगा वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर होती है वेट के, जो इसका वेट है तो 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.8 से, इनटू डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्टेंस 1 कवर हो रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा 98 जूल्स के बराबर, डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा 98 जूल्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट के डॉट जे क्रॉस आई, के डॉट जे क्रॉस आई कैसे मालूम करें, ब्रैकेट को सॉल्व करा तो जे क्रॉस आई तो अपोजिट हो जाएगा ना, जे क्रॉस आई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस का के आंसर आएगा, माइनस का के आंसर आएगा, ये हो गया माइनस का के और ये हो गया प्लस का के, तो के डॉट के वैसे तो 1 होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है तो आंसर आएगा माइनस का 1। 26 इन प्रोजेक्टाइल मोशन द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, गलत बात है, वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाते जाते बढ़ती है और फिर नीचे आते आते ऊपर जाते जाते कम होती है और फिर नीचे आते आते बढ़ती रहती है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये बात सही है, जो वी नॉट एक्स होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो कॉन्स्टेंट रहता है, वी नॉट एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बोथ चेंजिंग गलत हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंजिंग वर्टिकल कॉन्स्टेंट, ये बात भी गलत है। 27 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल,
जब भी एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती है तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल का वो क्या हो जाता है, रिमेन सेम, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस या बिकम जीरो। तो देखो जब किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो ऊपर जाते हुए जो वेट है वो मुखालफत कर रहा होता है, ठीक है ना, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, और जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो भी उसे डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश करती है, ठीक है ना, उसके खिलाफ काम करती है। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो फिर क्या होता है कि जो वेट है वो तो उसे डाउनवर्ड ले जाना चाह रहा होता है, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। नतीजे में क्या होता है कि जो ओवरऑल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो एक्चुअल से, यानी कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती उसके लिहाज से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है यहाँ पर, पहली सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करवाते हैं, तो नतीजे में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कम हो जाता है, वरना तो ज़्यादा टाइम लगता है अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती। 28 द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट एयर फ्लो, सिंपल सी डेफिनेशन है, वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड जिसके जरिए वो अपने फ्लो की मुखालफत करते हैं, द अपोजिशन टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी, उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। 29 एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट है 3920 न्यूटन और ऊपर की तरफ जा रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, तो फोर्स कितनी लगेगी उस हेलीकॉप्टर पे? तो देखो जो फोर्स है मेनली उसका काम यह है कि वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बट यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स लग रही होगी, देखो मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि जो हेलीकॉप्टर है एक तो फोर्स उसके ऊपर लग रही है उसके वेट के बराबर, यानी कि पहले तो इंजन को उसके वेट के बराबर की फोर्स लगानी ही पड़ेगी, प्लस जो वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, बट यहाँ पर तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा जो इंजन है हेलीकॉप्टर का, बल्कि हेलीकॉप्टर का इंजन सिर्फ उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहा है जितना उस हेलीकॉप्टर का वेट है। वेट कितना है? 3920 न्यूटन, यानी कि यही करेक्ट आंसर है, बट अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती तो वही फोर्स जो है वो वेट में ऐड करके आंसर आता टोटल, ठीक है ना, वो नेट फोर्स हो जाती। नंबर 30 दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है? हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकेंड पावर का यूनिट है, फुट पाउंड पर सेकेंड पावर का यूनिट है, बट किलो वाट आर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलो वाट आर बराबर होता है 3.610^6 जूल्स के, और बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट है जिसमें कि इलेक्ट्रिक वगैरह बिल सप्लाई करते हैं। नंबर 31 व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली एफर्ट द वर्क डन विल बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जो वर्क डन होगा ऑब्वियसली बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। नंबर 32 इफ ए डॉट बी बराबर है जीरो के और ए क्रॉस बी बराबर है जीरो के, बट ए जीरो के बराबर नहीं है, तो वाहिद हल ये है कि बी खुद जीरो होगा। देखो अगर सिर्फ ए डॉट बी जीरो होता तो मैं मान लेता कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है जब एंगल होता है 90 डिग्रीज, अगर सिर्फ ए क्रॉस बी जीरो होता तो मैं मान लेता कि एंगल जीरो होगा, बट क्रॉस भी जीरो हो रहा है और डॉट भी जीरो हो रहा है और ए जीरो नहीं है, तो एक ही हल रह गया, बी ही जीरो के बराबर होगा, नल वेक्टर होगा। 33 टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, दो फोर्सेस लग रही हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और जो मैग्नीट्यूड है उनके रिजल्टेंट का वो मिनिमम कब होता है? जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है 180 डिग्रीज, और मैक्सिमम तब होती है जब सेम डायरेक्शन में लगती है 0 डिग्रीज पर। 34 द वेट ऑफ मैन इज 600 न्यूटन एट द अर्थ, अर्थ के ऊपर 600 न्यूटन है, तो क्या होगा वेट मून पर, जहाँ की वैल्यू ऑफ जी अर्थ की वैल्यू ऑफ जी का 1/6 है, यानी कि जितना वेट यहाँ पर होगा उसका 1/6 वहाँ पर होगा, यहाँ पर 600 है तो 600 / 6 वहाँ पर होगा 100 न्यूटन। मास सेम रहता है, यही न्यूमेरिकल जो है वो मास के लिए पूछ लेते हैं, लेकिन याद रखो मास सेम रहता है, वेट जो है वो कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है। 35 इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, अगर हम अर्थ का रेडियस श्रिंक कर दें 1% और मास को सेम रहने दें तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू है जो कि अर्थ पर होती है क्या हो जाएगी अगर हम सिर्फ उसका रेडियस कम कर दें, मास सेम रहे, तो कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर होता है, ठीक है, मास सेम है जी सेम है, सिर्फ क्या हो गया रेडियस को हमने कम कर दिया, रेडियस को कम कर दिया तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज।
क्वेश्चन नंबर 36, द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो मिनट की सुई होती है उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होती है ये हमें मालूम करनी है, और रेडियन पर सेकंड में ही निकालनी है, ठीक है ना। एंगुलर स्पीड है और ये रेडियन पर सेकंड, इसका जो ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड है। तो एंगुलर स्पीड कितना एंगल, तो मिनट की सुई अपना एक राउंड, एक राउंड का मतलब हो गया 2π रेडियन, कितनी देर में मुकम्मल करती है उसको सेकेंड्स में लिखो। मिनट की सुई अपना एक राउंड मुकम्मल करती है एक घंटे में, एक घंटे में पूरा राउंड मुकम्मल होता है, और एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। 2 × 1800 π/1800 37। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विल बी मिनिमम एट, जो प्रोजेक्टाइल है उसको हमने फायर करा है एंगल जीरो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसकी स्पीड, इट्स स्पीड विल बी मिनिमम। स्पीड कब मिनिमम होती है, हाईएस्ट पॉइंट इधर आएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑल पॉइंट्स लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो याद रखो जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम स्पीड दो टाइम होती है, जब थ्रो कर रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और जब जमीन को टच कर रहा है, लेकिन मिनिमम कब होती है, टॉप पर। क्यों मिनिमम होती है टॉप पर, क्योंकि टॉप के ऊपर जो वाई कॉम्पोनेंट है वो जीरो हो जाता है और सिर्फ वेलोसिटी का एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, तो मिनिमम होती है एट द हाईएस्ट पॉइंट। 38, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम ऑलवेज रेस्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कैन बी रेस्ट, कैन बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इक्विलिब्रियम वाली बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है। अगर रेस्ट में होती है तो उसे कहते हैं इन स्टेट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर यूनिफॉर्म में मोशन में होती है तो उसको कहते हैं इन स्टेट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। 39, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है ना, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट रहता है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम इज केप्ट कॉन्स्टेंट वेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो के बराबर होगा। डी यहाँ पे समझ लो डेल्टा को शो कर रहा है, तो ये जीरो के बराबर होगा बेसिकली चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इफ ए बराबर है ए आई और बी जे, अच्छा ये दोबारा से आ गया, बहरहाल इसका आंसर ए बी के था, वन वाला। 41, टू फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन और सेम लाइन पर एक्ट नहीं कर रही उसको क्या कहते हैं, ये बेसिकली एक कपल की डेफिनेशन है। कपल कहते हैं दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और वो बॉडी के सेम पॉइंट्स के ऊपर एक्ट ना करें, उसी को हम कहते हैं कपल। 42, अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ स्पैनर, एक पाना है, स्पैनर है जिसके ऊपर 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है परपेंडिकुलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नट, नट के सेंटर से। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा वो हमें मालूम करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स को दूसरे लफ्जों में कहते हैं टॉर्क, फोर्स इनटू डी यानी कि मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बराबर है 8 के और इसको मल्टीप्लाई कराना है डी से यानी कि 0.15 से। सो 8 × 0.15 1.2 न्यूटन मीटर होता है, 1.2 न्यूटन मीटर। 43, वेबर फैशनर लॉ हमें रिलेशन बताता है साउंड की लाउडनेस और उसकी इंटेंसिटी के दरमियान में, और ये लॉ ये कहता है कि जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द लॉगरिथम ऑफ इट्स इंटेंसिटी, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इट्स इंटेंसिटी। 44, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर किया जाता है किस चीज़ में, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी बेसिकली बराबर होती है एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी है बेसिकली ना, इंटेंसिटी है ये एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम का यूनिट होता है वॉट और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 45, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इंक्रीजेस बिकॉज, जब भी इंक्रीज होती है टेम्परेचर एयर का तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो बढ़ जाती है। वेवलेंथ ऑफ वेव इंक्रीजेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेस, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस, नीदर फ्रीक्वेंसी नॉर वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो बात यह है
फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, टेम्परेचर को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है ना। तो वेवलेंथ के चेंज होने से जो फर्क आता है वो हमारे वेव के ऊपर आता है। अब क्या बात है, साउंड वेव की स्पीड बढ़ रही है, क्या रिलेशन है, वी बराबर होता है एफ लैम्डा के, यही है, एफ कांस्टेंट रहता है तो वेवलेंथ क्योंकि बढ़ जाती है तो स्पीड ऑफ साउंड वेव भी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ वेव इंक्रीजेस। 46, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, और जी इसके बराबर है तो लेंथ कितनी होगी। सिंपल पेंडुलम 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 के बराबर, 1 हर्ट्स हो जाएगा ना, और फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें उसकी लेंथ मालूम करनी है, और ये आ गया हमारे पास जी की वैल्यू। तो जो फॉर्मूला है, अगर एफ बराबर है इसके तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड मालूम करते हैं तो 1 ओवर F के बराबर होता है, तो 1 ओवर 1 बराबर आ जाएगा 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी से देखो, टाइम पीरियड से देखो, एक ही बात है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, टी बराबर होता है 2π√L/g के, ठीक है, हमें लेंथ मालूम करनी है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। टी बराबर होता है 2π√L/g, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²L/g। तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, एल बराबर आ जाएगा जी टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4π². जी बराबर है 981 के, और टाइम पीरियड 1 आया था, डिवाइड बाय 4, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 24.8 आएगा, यही होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। कहाँ गया, 24.8। अच्छा एक मिनट, एक एक बात आप याद रखिए, यहाँ पर जो मैंने यूनिट इस्तेमाल किया है वो यूनिट मैंने इस्तेमाल करा है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको आपने जहन में रखना है। इधर देखो दोबारा से, जो हम यूज़ कर रहे हैं यूनिट, वो यहाँ पर हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं, जी का यूनिट हमने इस्तेमाल करा है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का जो यूनिट आया वो सेकेंड का स्क्वायर आ गया, तो ये सेकेंड का स्क्वायर आ गया, 4π का तो यूनिट होता नहीं है, कैंसिल होने के बाद जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा ना कि मीटर्स में, तो ये थोड़ा सा देख लो, 24.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। 47, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ लैम्डा, तो सीधा सा फॉर्मूला है वी बराबर होता है एफ लैम्डा के, सोचना ही नहीं है इतना। 48, द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज 4000, तो ग्रेटिंग एलिमेंट कितना होगा, ग्रेटिंग एलिमेंट बराबर होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 सेंटीमीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, नंबर ऑफ लाइंस हैं 4000, सो 1 डिवाइड बाय 4000, 2.5 × 10⁻⁴ डी आ जाएगा आंसर, और आंसर आना चाहिए सेंटीमीटर्स में, 2.5 × 10⁻⁴ cm। 49, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रेग्स लॉ, ब्रेग्स लॉ जो कि एक्सरे डिफ्रेक्शन का टॉपिक है, उसके बराबर उसका मुताबिक एम लेमडा बराबर होता है 2d sin θ के, बहुत ही आसान सी बात है। 50, इफ टू वेक्टर्स लाइन एक्स वाई प्लेन देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट लाइज, जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो वो हमेशा उनके परपेंडिकुलर आंसर आता है, तो अगर वो एक्स वाई में लाई कर रहे हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो उसके अगले प्लेन में आएगा, यानी कि जेड में आएगा, तो सेम प्लेन गलत है, पैरेलल भी गलत है, पैरेलल भी गलत है, ये आ जाएगा एडजेसेंट प्लेन, थर्ड एक्सिस के अंदर आंसर आता है क्रॉस प्रोडक्ट का। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान का डिफरेंस और सम दोनों बराबर हैं तो वाहिद पॉसिबिलिटी है कि उनके दरमियान का एंगल 90 डिग्रीज होगा, तभी पॉसिबल है, उसको आप फॉर्मूला रख के वेरीफाई भी कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। 52, हाउ मैनी मीटर्स विल अ 20 किलोग्राम बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल्स फ्रीली इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो वी आई टी प्लस 1/2 AT², तो वी आई कितना है, 0 है, टाइम 1 सेकेंड है, लिखो ना लिखो फिलहाल तो 0 ही हो जाएगा, 1/2 A, और क्या आ गया साथ में, ए की वैल्यू क्या है, ए होता है 9.8, या आप उसको 10 कर सकते हो, और टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
ये ज़ीरो हो गया, एस बराबर आ जाएगा 9.8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4.9 मीटर्स। दिस वन 53 अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स स्पीड चेंजेस, एक्सीलरेशन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस। ओरिजिन से डिस्टेंस तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी स्पीड नहीं बदल सकती, एक्सेलरेशन भी नहीं बदल सकता और डायरेक्शन भी नहीं बदल सकती, क्योंकि अगर डायरेक्शन बदलती तब भी वेलोसिटी चेंज होती होती है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। 54 द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्रीज विल बी, 30 डिग्री लिखा हुआ है, ए बराबर होता है जी साइन थीटा के, अगर फ्रिक्शन लेस है, जी की वैल्यू है 9.8 इंटू साइन 30 मालूम करना है, साइन 30 बराबर होता है 0.5 के, तो 9.8 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 4.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 55, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी, एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं कोई भी सर्टेन वेलोसिटी है, ठीक है जी, और इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मिनिमम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मिनिमम होगा इफ इट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ, जब हम किस एंगल के ऊपर लॉन्च करें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, रेंज नहीं बताना, कम से कम टाइम कब लगेगा, तो याद रखो जो एंगल सबसे छोटा होता है उस पर टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम लगता है, रेंज की तो बात ही नहीं हो रही ना, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है, सबसे छोटा एंगल 30 डिग्रीज है, इस वजह से जो सबसे कम टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा वो भी 30 डिग्रीज पे लगेगा। 56 द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, एंगुलर स्पीड मालूम करनी है सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक की, ना के मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक की, ठीक है, तो जो सेकेंड की सुई होती है वो अपना एक राउंड मुकम्मल करती है कितनी देर में, एक राउंड का मतलब हो गया 2π रेडियन, और जो सेकेंड की सुई होती है वो अपना एक राउंड मुकम्मल करती है एक मिनट में, और एक मिनट का मतलब क्या हो गया, एक मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड में, तो यहाँ पे 60 सेकंड आएगा क्योंकि हमें सेकंड में सॉल्व करते हैं, रेडियन पर सेकंड ऐसा यूनिट होता है, तो हमने वो पुट कर दिया, 60 सेकंड लगते हैं एक राउंड मुकम्मल करने में सेकंड वाली सुई को, 2 1s are 2, 2 3s are 6, π/30। 57 अ पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो, इट कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग दिस पेंडुलम, एक पेंडुलम क्लॉक है जो कि स्लो चल रही है, स्लो होने का क्या मतलब है, स्लो होने का मतलब यह है कि उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हुआ हुआ है, ठीक है ना, टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा है कि वो अपना एक राउंड देर में मुकम्मल कर रही है, याद रखो स्लो रनिंग का मतलब है टाइम पीरियड ज़्यादा हुआ हुआ है कि वो ज़्यादा टाइम ले रही है ना, तो 2π√L/g होता है। अब ये कह रहे हैं कि हम क्या करें कि करेक्ट हो जाए, तो अभी हमें टाइम को कम करना पड़ेगा ना, स्लो चल रही है तो हमें टाइम को कम करना पड़ेगा, टाइम को कम करने का मतलब हमें उसकी लेंथ को भी कम करना पड़ेगा, जितना लेंथ को कम करेंगे उतना बेहतर आंसर आ जाएगा, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक स्लो चल रही है, स्लो का मतलब राउंड देर में मुकम्मल कर रही है यानी कि टाइम ज़्यादा आएगा, तो उसको कम करना है तो लेंथ को भी कम कर दो। 58 डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकटिव क्रस्ट और ट्रफ, दो लगातार क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान के फासले को वेवलेंथ कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर कहा जाए वो बराबर होता है टॉर्क के, और लीनियर मोमेंटम होता तो बराबर होता फोर्स के। क्वेश्चन नंबर 60 द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इससे आसान क्या होगा, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट न्यूटन ने डिस्कवर नहीं करा था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश, बच्चे समझते हैं न्यूटन ने लॉ दिया था तो डिस्कवर भी उसी ने किया होगा। 61 इफ अ मैन, इफ एक शख्स है जो कि ऊपर जा रहा है अर्थ की सरफेस पर थ्राइस द अर्थ रेडियस, तो वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी, ठीक है, इधर होता है तो फॉर्मूला होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर, इसका थ्राइस ऊपर जा रहा है, 1 2 3 ऊपर जा रहा है, आर ई कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ऑफ आर ई हो जाएगा, तो जी एम ई ओवर 4 RE का करना पड़ेगा स्क्वायर, बाकी सब सेम रहेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर, तो इसका मतलब 1/16 हो जाएगी वैल्यू ऑफ जी थ्राइस पर। 62 अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल विल बी मिनिमम, क्या चीज़ उसकी वेलोसिटी जो है वो, अच्छा एक बात मिनिमम वाला मैं समझा चुका हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी स्पीड मैक्सिमम कब होगी, ये वाला सवाल भी चेक कर लो ज़रा ना, मैक्स कम होगी
जो उसकी स्पीड होगी, थोड़ा वेरी वेरी करके बता रहा हूँ, मिनिमम के बजाय समझ लो मैक्सिमम कब होगी। तो मैक्सिमम के लिए दो आंसर्स होते हैं, फिर वो बोथ होगा, एक तो होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे। तो यकीनन फिर कोई ना कोई पॉइंट लिखा होगा, बोथ प्रोजेक्शन एंड लैंडिंग ऑन ग्राउंड। रिपीट हो गया, इस वजह से मैंने बताया कि दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है एमसीक्यूज। द एंगल बिटवीन सेंटीपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। दोनों के दरमियान का एंगल हमेशा 90 डिग्रीज होता है सर्कुलर मोशन में। वेन अ पर्सन गोज डाउन टू द बॉटम ऑफ डीप माइन कंपेयर टू हिज वेट ऑन द सर्फेस देन इट्स वेट विल। वेट क्या हो जाएगा अगर कोई शख्स जाता है किसी डीप माइन में, किसी खान में जाता है, डेप्थ में जाता है, तो क्या फर्क पड़ेगा वेट पे? तो याद रखिए वैल्यू ऑफ जी डाउनवर्ड जाने पर कम होती है। तो जब वैल्यू ऑफ जी कम हो रही है तो जाहिर सी बात है वेट भी कम होगा, डिक्रीज होगा, और वैल्यू ऑफ जी हमेशा डिक्रीज ही होती है, चाहे सरफेस से ऊपर जाओ या सरफेस से नीचे। तो ये भी आप याद रखो। 65 इफ द मास ऑफ द अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स लार्ज हैविंग सेम रेडियस। रेडियस सेम रखा है, मास को हमने 4 गुना कर दिया, तो वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी? तो वैल्यू ऑफ जी भी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर समझा चुका हूँ कि जो फर्क पड़ता है, कहाँ समझाया था, चलो दोबारा बताया। फॉर्मूला है सीधा सीधा कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। रेडियस तो सेम है क्योंकि मास 4 गुना होगा, तो वैल्यू ऑफ जी भी 4 गुना हो जाएगी। 66 एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज डबल टू दैट ऑफ रेडियस। आर्क लेंथ रेडियस का डबल है, आर्क लेंथ और रेडियस का एक ही फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ रेडियस का डबल है यानी कि 2 आर के बराबर है आर थीटा। आर से आर कैंसिल, थीटा बराबर आ जाएगा 2 रेडियन के। 1 रेडियन में होते हैं 114 सॉरी 1 रेडियन में होते हैं 57.3 डिग्रीज। तो 2 × 57.3 ये बराबर आएगा 114.6 डिग्रीज के। 67 अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड टू हिट द ग्राउंड लेवल टारगेट इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का एक फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। वेलोसिटी है 90, तो इसका करना पड़ेगा 90 का स्क्वायर और जी की वैल्यू होती है 9.8 या 10 कर लो, एक ही बात है। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 8100 डिवाइड बाय 9.8, 826.5 मीटर्स के बराबर। 68 पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है तो वो स्केलर क्वांटिटी है। 69 वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली वर्क एनर्जी इक्वेशन। सिंपल लफ्जों के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 70 इफ एन एप्पल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 50 डिग्रीज अबव द हॉरिजॉन्टल देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज। एंगल गिवन है, ये रहा स्पीड गिवन है, हॉरिजॉन्टल रेंज पता करनी है। रेंज बराबर होती है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो कितना हो गया 30 वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 × 15 ये भी हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 9.8 या 10 कर लो राउंड ऑफ करके। 30 का स्क्वायर ये हो जाएगा 900, साइन 30 होता है 0.5 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल और 90 × 0.5 बराबर हो जाएगा 45। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 46 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 71 द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 720। एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है 0 से 720। ठीक है, और इसके लिए इसको लग रहे हैं 4 सेकेंड। ठीक है ना, 4 सेकेंड में 0 से 720 हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना होगा? तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज गिवन है, टाइम गिवन है, टॉर्क की एक डेफिनेशन है, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आया है वो आया है 720 का, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 720 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 180 जूल्स। ठीक है, सीधा सीधा 180 जूल आएगा। क्वेश्चन 72 द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट। जो वैल्यू ऑफ जी है वो मैक्सिमम होती है। अब ये सवाल ना दो तरीकों से आ सकता है पेपर में। एक तो ये आ सकता है ऑप्शन के अंदर लिखा हो एट हाइट ऑन द सरफेस या डेप्थ, इस तरीके से। तो याद रखो सरफेस पे मैक्सिमम होती है। अब सरफेस पे कहाँ मैक्सिमम होती है उसको याद रखना है। सेंटर ऑफ अर्थ पर
पोल्स ऑफ अर्थ पर, इक्वेटर पर, या सरफेस ऑफ अर्थ पे? तो याद रखिए जो पोल्स है ना, इक्वेटर का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, और जो पोल्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस कम है। और क्योंकि पोल्स का सेंटर से डिस्टेंस कम है तो जितना रेडियस कम होगा उतनी वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी, तो वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होती है एट द पोल्स ऑफ अर्थ। दो तरीकों से आ सकता है ना ये सवाल। 73, इफ अ प्लैनेट एग्जिस्टेड, अगर एक प्लैनेट होता जिसका मास और रेडियस दोनों अर्थ का ट्वाइस होंगे, तो क्या होगी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मतलब वैसे तो हमें जी का फॉर्मूला पता है, कैपिटल जी होता है, एम ई होता है और आर ई का स्क्वायर होता है। अभी मास को भी डबल करना है, रेडियस को भी डबल करना है। मास को डबल करेंगे तो सीधा सीधा 2 ME लिखना पड़ेगा, लेकिन रेडियस को डबल करेंगे तो 2 RE का स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई करने पर 2 आएगा और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, बाकी कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर ऐसे ही बच जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, यानी वैल्यू ऑफ जी 1/2 हो जाएगी। 1/2 का मतलब आधी हो जाएगी, आधी मतलब 9.8 डिवाइड बाई 2 बराबर होता है 4.9 m/s². 74, एक 600 न्यूटन का शख्स है, उसका वजन है ये, और वो सीढ़ियों पे चढ़ता है, 4 मीटर की हाइट है सीढ़ियों की, और 3 सेकंड में वो चढ़ जाता है, तो पावर कितनी होगी? तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वजन के बराबर लगाएगा, डिस्टेंस 4 मीटर का है, डिवाइडेड बाय इन 3 सेकेंड्स है। 3 1 3, 3 2 6, 200 × 4 इज इक्वल टू 800 W। क्वेश्चन नंबर 75, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड मास इज रिड्यूस टू 1/4, मास को 1/4 कर दें, वेलोसिटी को डबल कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv² हमने मास को 1/4 करा है और वेलोसिटी को डबल करा है। मास को 1/4 करेंगे, m/4 हो जाएगा, वेलोसिटी का डबल 2v² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1/2 अपनी जगह पर है, m अपनी जगह पर है, v² अपनी जगह पर है। ये वाला जो 2² हुआ ये 4 आ गया, और ये वाला जो 4 था वो ऑलरेडी लिखा है, 4 से 4 कैंसिल। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि जो हमने 1/4 किया है मास को, काइनेटिक एनर्जी ने 1/4 कम होना चाहिए था, लेकिन वेलोसिटी के डबल करने से वो 4 गुना हो जाएगी, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 76, जब एक कार एक्सेलरेट करती है अप अ हिल, हिल के ऊपर की तरफ, तो क्या होता है? लॉस ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, आमतौर पे बॉडी ऊपर जा रही होती है तो सब ये बात तो सबको याद रहती है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पर ऐसा सोचते हैं काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हो रही है, वो तो किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो कम हो जाती है। लिखा हुआ है कार एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर जाते जाते स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ऊपर जाने से पोटेंशियल तो बढ़ती है, पर एक्सेलरेट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। 77, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता, जब साउंड ट्रैवल नहीं करता, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है, तो स्पीड 0 होगी। इफ मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडोलम इज डबल, टाइम पीरियड कितना होगा? पेंडोलम का टाइम पीरियड टी बराबर होता है 2π√L/g। क्या आपको इस फॉर्मूले के अंदर एम लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, तो मास को आप चाहे जितना भी कर दो, टाइम पीरियड हमेशा हमेशा सेम रहेगा। 79, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए एम लेमडा के बराबर, और एम क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है लेमडा का, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ। और अगर डिस्ट्रक्टिव होता तो डिस्ट्रक्टिव में होता ऑड मल्टीपल, उसमें होता है m/2 लेमडा के ना, तो उसमें आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव होगा तो वो हो जाएगा ऑड मल्टीपल। 80, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज, फ्रिंज स्पेसिंग बराबर होती है चाहे आप डेल्टा एक्स से शो करो, डेल्टा वाई से शो करो, बराबर होती है λ L/d के, λ L/d, L है जो डिस्टेंस होता है बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन,
लैम्डा होती है वेवलेंथ और डी होता है कि जो दोनों स्लिट्स हैं उनकी स्पेसिंग कितनी है। 81 एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फोकस्ड एट इन्फिनिटी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को इन्फिनिटी के लिए फोकस करा। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 0.2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है एंड दैट ऑफ द आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर होती है एफ ओ प्लस एफ ई के, यूनिट सेम रखते हुए तो यूनिट दोनों का सेम है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 0.2, आई पीस की फोकल लेंथ है 5, कितना हो गया ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर्स। एटी टू एक लेंस है जिसकी लीनियर मैग्निफिकेशन 2 है, उसको रखा जाता है बिटवीन एज ऑब्जेक्ट एंड अ फिक्स स्क्रीन पर, फिक्स्ड स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान में रखा जाता है। इफ साइज ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि बराबर होती है एच आई डिवाइड बाई एच ओ वो 2 के बराबर है तो इमेज का साइज कितना गिवन है, 2 इज इक्वल टू इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर के बराबर है तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी। एच ओ अलग करेंगे तो एच ओ अलग होकर बराबर आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। 83 द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ लेवल ऑफ साउंड को मेजर किया जाता है इन द यूनिट डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल है साउंड लेवल, उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में। सोन जो है ये लाउडनेस का यूनिट है। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सा इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा। वॉल्यूम की स्ट्रिंग करती है, बैलेंस व्हील ऑफ वॉच करता है, हैंगिंग स्प्रिंग सपोर्टिंग अ वेट, लेकिन जो व्हील होता है ऑटोमोबाइल का वो गोल गोल घूमता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता, दोनों अलग अलग है। 85 डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होता है तभी हमें डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज अनेबल टू शो, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाती है मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, आर पार भी चली जाएगी, इंटरफेयर भी कर सकती है, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बना सकती है, बट वो डिस्पर्जन नहीं कर सकती। डिस्पर्जन का मतलब है डिफरेंट वेवलेंथ में कन्वर्ट होना, ब्रेक होना, और हम कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट, तो मोनोक्रोम का मतलब हो गया एक कलर वाली, एक वेवलेंथ वाली, जब वेवलेंथ एक है तो ब्रेक कहाँ होगी। 87 व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग एसएचएम बिकम्स, वो बॉडी जो कि एसएचएम कर रही होती है जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होती है तो उस वक्त उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, और जब वो होती है कौन से वाले पॉइंट पे, जब वो होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे तो याद रखो मिनिमम होती है। 88 द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव व्हेन ट्रांसमिटेड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ 150 मेगाहर्ट्ज़ विल बी, रेडियो वेव की स्पीड हमें पता है 3 × 8 होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 150 मेगा का मतलब होता है 10^6 हर्ट्ज़। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वी ओवर एफ, 3 × 8 डिवाइडेड बाय 150 × 6, तो एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो गए, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ये आ गया हमारे पास 1/50 और 10^2 क्या बन गया, 10^2। 1/50 होता है 0.02 × 200, 0.02 × 200 एक दो, दो शिफ्ट कराएंगे ये आंसर आ जाएगा 2 मीटर्स। 89 द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज विद मीडियम, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, वेवलेंथ में फ़र्क आता है बट फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही टेम्परेचर की वजह से ना ही मीडियम के चेंज होने की वजह से। 91 डबल स्लिट अरेंजमेंट इज सजेस्टेड बाई यंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, क्यों यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, क्या सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना था, क्या डिस्ट्रक्टिव, नहीं, क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो तो अवेलेबल थी, फेस कोहेरेंस की वजह से किया था कि दोनों जो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना, कि वो एक ही कंडीशन से गुजरती हुई आए। 92 में उसको एक्सप्लेन किया गया है। दो सोर्सेस को कोहेरेंट कब कहते हैं, जब दोनों से वेव्स इमिट हों एक साथ साइमल्टेनियसली,
उसे कहते हैं कोहेरेंट। तो ये जो फेस कोहेरेंस है इसका मतलब यही कि दो सोर्सेस चाहिए थी जो एक साथ क्रस्ट और एक साथ ट्रफ को एमिट करें। 93, अगर एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, प्रॉपर्टीज है। 94, एक स्टूडेंट है जो कि ग्लासेस पहना हुआ है 2.5 डाइऑप्टर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर, पावर है 2.5, 1 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है 0.4 मीटर्स, बट आंसर सेंटीमीटर्स में दिए हुए, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 40 सेंटीमीटर आएगा। 95, द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो एंगल ऑफ मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ, एफ खुद लीज डिस्टेंस के बराबर है तो हम लिखेंगे 1 प्लस डी ओवर डी, डी से डी कैंसिल, आंसर आएगा 1 और 1 प्लस 1 बराबर होता है 2 के, तो इसका मतलब एंगल ऑफ मैग्नीफिकेशन 2 होगी। लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन जनरली इंक्रीज होता है एज के लिहाज से, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एज। अब आपको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आंसर मिलेगा लेकिन मेजॉरिटी किताबों के अंदर यही लिखा गया है कि एक्चुअली ज़्यादातर केसेस के अंदर जो लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन होता है वो इंक्रीज होता है, तो आपने भी इसी को याद रखना है। 97, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई, दिस वन। 98, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम्स इक्वल टू इट्स, दो बार लिख दिया, इक्वल टू इट्स मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, एच मैक्स और रेंज बराबर हो तो कितना एंगल होना चाहिए? गिवन कंडीशन ये है कि जो एच मैक्स है वो बराबर है रेंज की। एच मैक्स का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, रेंज का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, जो कैंसिल हुआ जी से जी, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर, इधर बचा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, इधर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin थीटा इन टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, ठीक है सेटा, तो एक साइन से एक साइन हो जाएगा कैंसिल, साइन को एक तरफ लेकर जाओ ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2s are 4, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 10 थीटा होता है इज इक्वल टू 4, तो जो एंगल हमें मालूम करना है वो बराबर आएगा 10 inverse 4 के, जहां पे रेंज और एच मैक्स बराबर हो जाती है 10 inverse 4। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज अ टाइप ऑफ कर्व जिसे हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व या पैराबोलिक पाथ, याद रखना है ट्रेजेक्ट्री इज अ पैराबोलिक पाथ। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इक्वल टू, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ बराबर होती है एफ ओ प्लस एफ ई के, और गैलीलियन की बराबर होती है एफ ओ माइनस एफ ई के, तो एम सी क्यूज में ये चेंज आ सकता है, ठीक है। इन 100 एम सी क्यूज की प्रैक्टिस करो, देखना इनशाला बहुत फ़ायदा होगा पेपर के अंदर, और जो एम सी क्यूज आएंगे 33 out of 33 आएंगे अगर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। दैट्स ऑल, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।